हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं बताऊंगा हाइड्रोलिक टिप पावर प्रोजेक्ट के जो मशीन होते हैं और उसके जो साबसील होते हैं, साबसील कैसे होते हैं, क्या डिज़ाइन होते हैं, क्या काम करता है, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये है उसका साबसील। ये कुछ इस तरह से होते हैं, जो मेटल पार्ट भी होते हैं और उसके बीच में तीन रबर सील भी होते हैं। तो ये हमने BHL मशीन से कलेक्ट किया, जो मेंटेनेंस के टाइम से इसको टाइम पे जो खोला गया था, कुछ इस तरह है। ये रस्टेड था तो इसको निकाल के क्लीन करके दोबारा डाला गया। आगे देख पाएंगे वीडियो में, ये रस्टेड है। और जो एक मेटल पार्ट है, ये क्या है ना, घिस जाता है। जो अंदर ये देख रहे हैं मेटल पार्ट, जो हाँ बंदे ने हाथ दे रखा है, वो ड्रम है। ये ड्रम घिसने की वजह से क्या है ना, कई बार पानी का प्रेशर ज़्यादा होता है तो उसको निकालना पड़ता है, निकाल के नया डालना पड़ता है। तो उसको खोलने का ये वीडियो है, कुछ फुटेज है। तो इसको हमने खोला, फिर क्लीन करके दोबारा सब कुछ नया डाला। ये ड्रम है जो मैं यहाँ मार्क कर रखा हूँ, जो ये घिस गया है मशीन चलते चलते। साफ सील के जो रबर सील होते हैं, जो रबर कहते हैं, वो इससे घिसता रहता है और माइनस में हो जाता है। ये उसका पार्ट है जो दो पार्ट में होता है, जो निकाल दिया गया। ये है प्रेशर सील, जो सबसे नीचे लगता है, जो नीचे से पानी का प्रेशर रहता है उसको रोकने का काम करता है। ये जो ड्रम निकाला हमने दो पार्ट में बोला, उसका पीस है। ये है साफ सील, जो सब बाहर निकाल के हमने क्लीनिंग करने के लिए रखा और क्लीन करके दोबारा डाला। ये उसका पार्ट है। और साफ सील बेसिकली होता है जो हेड कवर और रनर दोनों का जो गैप होता है, उस गैप से जो पानी आता है ऊपर, जो प्रेशर होता है उसको रोकने के लिए साफ सिल का काम होता है। ये है प्रेशर सिल। जो प्रेशर सिल में ये रबर सिल है, रस्सी से बांध रखा है। ये इसके अंदर निपल के जरिए, पाइपलाइन के जरिए हवा जाता है, जो वो फूल जाता है। फूलने के बाद वो क्या है ना, जो गैप है वो गैप कम हो जाता है, टाइट हो जाता है अंदर ही, और ये पानी को रोकता है, पानी ऊपर, प्रेशर ऊपर नहीं आता। ये खोलने का कुछ, फिटिंग करने का कुछ फुटेज है। और ये है जब हम डाल रहे थे प्रेशर सील पहला पार्ट, इसमें सिलिकॉन डाला, नीचे ओरिंग भी डाला, इस तरह से ओरिंग होते हैं। ये पूरी क्लीन करके फिर दोबारा डाला गया है। तीन छिल, एक दो तीन, तीन छिल होते हैं जो मेटल पार्ट सील के जो बीच में रबर सील आते हैं, वो इस तरह से होते हैं। ये पूरा हमारा सील कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरह से हो गया, कंप्लीट हो गया था। तो बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा। और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना।